इसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं अपनी कि वो माउंटेन्स को गंदा ना करें और उन्हें साफ रखें। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना एडवेंचर फ्रेंड गौरव तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गौरव एडवेंचर। तो हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं माउंटेनिंग से जुड़ी हुई अपडेट, जैसे कि हम हर बार करते हैं। इस बार भी कुछ नई अपडेट्स निकल के सामने आई हैं, तो आपके साथ कवर करूंगा एंड बताऊंगा क्या क्या चीज़ें नई माउंटेनिंग अपडेट्स आई हैं और कुछ अपकमिंग अपडेट इंस्टीट्यूट से रिलेटेड आने वाली हैं, कोर्सेज से रिलेटेड जो बेसिक माउंटेनिंग कोर्स हैं या एडवांस माउंटेनिंग कोर्स है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अभी स्टार्ट करते हैं सिर्फ माउंटेनिंग अपडेट से जो अभी आ चुकी है। तो दोस्तों, पहली अपडेट जो निकल के सामने आ रही है, उमा से रिलेटेड अपडेट निकल के सामने आ रही है। उमा के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि उमा ने क्या क्या चीज़ें अचीव कर रखी हैं, और 15 अगस्त को मैंने आपको बताया था कि वो माउंट किलिमंजारो, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर अपना तिरंगा झंडा लहराने जा रहे थे, और वो भी बाई साइकिल। वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने कंप्लीट किया है, और कंप्लीट करने के साथ ही अपना जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो सोनू सूद के नाम पे डेडिकेट किया है। इसे खुद सोनू सूद सर ने भी शेयर किया है FB पे, एंड इसके अलावा ट्विटर ID पे भी शेयर किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन उमा, एंड थैंक यू सो मच उमा फॉर अचीविंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर आवर कंट्री। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट यानी NIMAS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स की तरफ से एक अपडेट निकल के सामने आ रही है। इन्होंने एक पोस्ट डाली है कि कोई जो पर्सन है, आपको स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ इनकी पोस्ट भी, और ये क्या पूरा मैसेज है, जो पूरा मैटर है वो आप NIMAS की पोस्ट से देख सकते हैं। तो NIMAS ने जो अपनी तरफ से इस मैटर को अपना रुख दिया है, उसके बारे में मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। इसके अलावा NIMAS ने शॉर्ट में जो बताया है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, कि जो NIMAS जहाँ पे कोर्सेज कराते हैं या जहाँ पे लेके जाते हैं, वहाँ पे गार्बेज वगैरह वो अपना ही नहीं, बल्कि उनसे पहले जो गार्बेज फैला के जाते हैं उसे भी वो अपने साथ लेके आते हैं और माउंटेन्स को गंदा नहीं करते। इसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं अपनी कि वो माउंटेन्स को गंदा ना करें और उन्हें साफ रखें। इसके अलावा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा कि इंडियन क्लाइंबिंग टीम है, जो स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग टीम है, वो रशिया रवाना हो चुकी है, क्योंकि रशिया में कंपटीशन हो रहा है एक वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप के लिए। तो इसे बहुत सारे जो माउंटेनियर्स, फेमस माउंटेनियर्स हैं, उन्होंने शेयर किया इस पोस्ट को एंड अपनी इंडियन टीम को पूरा सपोर्ट दिया है। सो ऑल द बेस्ट आवर इंडियन टीम फॉर वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब HMI की तरफ से एक जो पोस्ट आई है उसके बारे में। तो दोस्तों, अप्रैल 2021 यानी 2021 में ऑर्गेनाइज किया गया था एक क्लाइमाथॉन जो HMI के अंदर, इसका जो फ्लैग इन है वो न्यू दिल्ली में हुआ है। श्री राजनाथ सिंह जी ने, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसका फ्लैग इन किया है, और ये जो अभी रिसेंटली हुआ है 17 अगस्त को, ये ऑर्गेनाइज हुआ था सिक्किम की 4 पीक्स पे, और इसमें पार्टिसिपेट किया था 125 जो हमारे माउंटेनियर्स हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, एंड अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ।